क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स जो है वो ग्लेशियर वाटर्स है, और ग्लेशियर वाटर अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि ग्लेशियर्स की मकदार बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में समझ लें कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है वो गिलगित बल्तिस्तान है, और वो ग्लेशियर्स जो गिलगित बल्तिस्तान में है वहीं से पानी जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। ग्लेशियर वाटर बेसिकली स्ट्रीम के थ्रू भी बहता है और फिर स्प्रिंग्स में भी आता है। हमने स्ट्रीम वाटर की बजाय स्प्रिंग वाटर को अपना सोर्स लिया है। स्ट्रीम वाटर ज़्यादातर बेसिकली ये होता है कि वो फिजिकली जो है ना नज़र आ रहा होता है वो कंटामिनेटेड भी होता है, और दूसरा ये है कि उसके अंदर मिनरल्स के कंटेंट्स इतने नहीं होते जितने स्प्रिंग वाटर में है। तो हमने डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है मिनरल्स और साल्ट्स की वो स्प्रिंग वाटर के अंदर होती है, और जो हमने सोर्स सेलेक्ट किया हुआ इसके अंदर नेचुरल मिनरल्स और साल्ट्स हैं, और कैल्शियम की एक इतनी बेहतरीन मकदार है कि 50 से 60 ppm के दरमियान जो है नेचुरल कैल्शियम इसमें पाया जाता है, और हम इसको बग़ैर प्रोसेस किए हुए जिस तरह दूसरे यूजुअल वाटर्स आर ओ प्रोसेसिंग करते हैं जो मिनरल्स कॉन्टेंट होते हैं उनको निकाल के दोबारा रीएडिशन करते हैं, तो हमने कोशिश ये की हुई है कि इसको नेचुरली जिस तरह है स्प्रिंग वाटर उसी तरह हम प्रोसेस करके इसको पहुंचा सके आप तक। और हमने इसकी जो प्रोसीजर है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हमने प्रोसेस किया हुआ है, जस्ट हम इसको माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ बना के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में ये प्रोसेस होने की वजह से हमने इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर डिपार्टमेंट से हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। NOC दी हुई, हमने EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो गिलगित बल्तिस्तान की है उनसे हमने लिए हुए हैं, और उसके बाद ये है कि हमने फिर यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को इंकरेज किया कि आप लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि वो अनस्किल्ड लेबर थे लेकिन उनको हमने ट्रेन किया। उसके बाद हमने कोशिश ये की कि हम ज़्यादातर ख़वातीन को प्रेफरेंस दें, जो पैकेजिंग का काम है उसमें हमने 50 से अबव जो ना हमने ख़वातीन को रखा हुआ है, ताकि हम इसकी जो पैकेजिंग है वहाँ पे वो ख़वातीन को हम इंकरेज कर सकें। और उसके अलावा भी यहाँ पे जो इस कम्युनिटी में इस लोकल एरिया के अंदर जितने भी स्किल लेबर हैं उनको हमने हायर किया हुआ है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी एम्प्लॉयमेंट की।